हेलो गाइस, मैं हर्ष शर्मा, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और गाइस, आज के इस वीडियो में जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो ड्राइंग में कोई पेंसिल स्केच वगैरह नहीं बनाऊंगा। आज मैं इस ड्राइंग को कलरफुल बनाने वाला हूँ। और गाइस, कलरफुल बनाने के लिए मैं इसमें वाटर कलर का यूज करूंगा। और वैसे गाइस, मैं वाटर कलर यूज करता नहीं, क्योंकि बहुत ही मैं घटिया बनाता हूँ, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी गाइस, मैं आप लोग के लिए ट्राई करूंगा। और गाइस, अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, और बेकार लगे तो ही बता देना। चलिए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी मैं पेंटिंग बनाने वाला हूँ। और गाइस, आज मैं इस वाले ड्राइंग को बनाने जा रहा हूँ। तो और गाइस, मेरा जो पिछला वाला वीडियो था उसमें एक भाई ने कमेंट किया था, राजीव पालकर नाम का, तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई इस बार आप प्रभु श्री राम जी का पोर्ट्रेट बनाइए। तो मैंने इसीलिए ये पोर्ट्रेट बनाने का सोचा। और गाइस, आप लोग भी कमेंट कर दिया कि आप लोग क्या पसंद है, मैं वैसे ही नया वीडियो ले आया करूँगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स गो गाइस, मैं यहाँ पर इस ब्लैक पेपर का यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस, आपके पास ब्लैक पेपर नहीं तो व्हाइट पेपर का यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं इन कलर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मेरे पास में देखिए ऑरेंज कलर है, डार्क ऑरेंज है, और गाइस ये मेरे पास है ब्लैक और ये वाइट। मैं इन तीन कलर का यूज़ करूँगा। और मेरे पास ये ब्रश नॉर्मल ब्रश है, एक थोड़ी सी पतली है। और मैं सबसे पहले इस ब्लैक पेपर पर ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कलर में पेपर में कलर अच्छा नहीं है, इसीलिए चलिए गाइस मैं पेंट कर रहा हूँ। इसमें गैस पेंट होने के बाद में मैं इसे ड्राई करने के रख दूंगा। जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा उसके बाद में इसमें आउटलाइन ड्रा करूंगा। यहाँ पर मेरा पेपर अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, अब इसमें मैं आउटलाइन ड्रा करने वाला हूँ। चलिए गैस, जैसे जैसे मैं आउटलाइन ड्रा कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लीजिए। और हाँ गैस, हमने इस ड्राइंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और गैस, हम आउटलाइन ड्रा करने के लिए ग्रिड मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, आज मैं फ्री हैंडेड ड्रा करूँगा। और यहाँ पर गाइस, मैंने ऑरेंज कलर लिया है। सबसे पहले मैं ऑरेंज वाला पार्ट कलर करूँगा। यहाँ पर गाइस, हमने एक बार कलर कर लिया है। जैसे गाइस, मेरी ड्राइंग में थोड़ा सा पैचेस और लाइंस वगैरह दिख रही हैं, तो अगर ऐसा आपकी भी ड्राइंग में होता है तो आप भी सेकंड बार कलर कर लीजिए। और गाइस, फर्स्ट कोट आपका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तभी आप सेकंड कोट करिएगा। गाइस, यहाँ पर मेरी ड्राइंग रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी बनी है। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे गाइस, मैं वाटर कलर का यूज़ करता नहीं हूँ, फिर भी गाइस मैंने काफ़ी हद तक अच्छा बनाने की कोशिश की है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और आपको कैसी लगी मैंने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। और गाइस, मैं अगला वाला जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा मैं वो बनाऊँगा, उसमें भी मैं सेम ड्राइंग बनाऊँगा, बस थोड़ा सा मेरा बनाने का प्रोसेस अलग होगा। और इसमें मैंने केवल नॉर्मल पेंटिंग कर दिया, उसे पेंटिंग भी करूँगा और थोड़ा सा क्राफ्ट से रिलेटेड बनाऊँगा। वैसे भी दोनों ड्राइंग को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो कैसा लगा, कैसे लगेगा आपको वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद ही बताना। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।